Instagram, baby, back and back in देसी कल्चर. और आप लोग कैसे हैं? आए हो आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. तो अब तक हम लोगों ने क्या किया? अब तक हम लोगों ने रेजिस्टेंस की बात कर ली, अब तक हम लोगों ने करंट की और वोल्टेज की बात कर ली, यानी कि हम लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं. चलिए इसी बीच हम लोग एक छोटा सा एक बायोलॉजिकल फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम लोगों को, क्यों हमारी शरीर जब गीली रहती है तो हमारे शरीर में ज्यादा करंट लगता है, और जब हमारी शरीर बिल्कुल ड्राई होती है, सूखी होती है, यूं कह लो कि शुष्क होती है, तो हमारे शरीर में करंट का इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है. तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए आपको रेजिस्टेंस के बारे में पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है. रेजिस्टेंस एक ऐसी टेंडेंसी होती है जो फ्लो ऑफ करंट को, जो फ्लो ऑफ करंट को रेजिस्ट करती है, रोकती है, रोकने की कोशिश करती है, उसको क्या कहते हैं? वो प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस कहलाती है. ओके, अब देखो, जब हमारी शरीर गीली रहती है, सबसे पहले आप ये जाने कि जब हमारे शरीर बिल्कुल शुष्क रहती है, ड्राई रहती है, तो उस केस में हमारे शरीर का जो रेजिस्टेंस होता है, जो हमारा शरीर रेजिस्टेंस ऑफर करती है, वो होती है 10 to the power 5 ohm. 10 to the power 5 ohm रेजिस्टर की तरह काम करती है हमारी शरीर जब वो बिल्कुल ड्राई होती है. और जब हमारा शरीर थोड़ा सा वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, एट दैट कंडीशन आवर बॉडी ऑफर द रेजिस्टेंस और द रेजिस्टेंस ऑफ 1500 ohm. अगर ड्राई है तो 10 to the power 5 ohm रेजिस्टर ऑफर करेगी, अगर हमारी शरीर गीली है, वेट कंडीशन में है, तो वो 1500 यानी 1500 ohm का रेजिस्टर ऑफर करेगी. दोस्तों अब ये आप हमें बताओ कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा है. सीधी सी बात, 10 to the power 5 ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा रजिस्टर ऑफर करेगी, यानी कि वो करंट को ज्यादा से ज्यादा रोकेगी, है ना, पुश करेगी, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट करेगी. अच्छा, अपने घर में मान लो कि अपने घर में 10 to the power, अगर आप मान लीजिए कि अपने घर में 220 volt की पावर सप्लाई आ रही है, ठीक है, 220 वोल्ट की पावर सप्लाई आ रही है, तो अब आओ देखते हैं कि करंट कितना बनेगा, कितना करंट बनेगा ड्राई कंडीशन में और कितना करंट बनेगा वेट कंडीशन में. तो चलिए इसके कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, I इज इक्वल टू होता है V अपान R होता है. अरे भाई, V बराबर IR अपन पढ़े थे ना, V बराबर IR पढ़े थे ना, तो I बराबर B अपान R होगा. सीधी सी बात है. तो वही चीज यहां पे जब अपन निकालते हैं तो इस वाली कंडीशन में क्या हो, 10 to the power 5 ohm रजिस्टर है, जब 10 to the power 5 ohm रजिस्टर है तब हमारी शरीर से कितना करंट फ्लो करेगा, तो I इज इक्वल टू B अपान R होता है. और यहां से अपन देख लेते हैं कि 220 volt upon 10 to the power 5 ओ, ये निकल के आएगा 2.2 मिली एम्पियर करंट अपने बॉडी से होके फ्लो करेगा अगर अपनी शरीर बिल्कुल ड्राई कंडीशन में है, यानी कि सूखी कंडीशन में है. अब आइए देखते हैं कि कितना करंट फ्लो करेगा जब अपनी शरीर वेटेड कंडीशन में है, क्योंकि ये वेटेड कंडीशन का रजिस्टर है. ओके, अब देखिए V अपान R V कितना है, 220 volt जो अपने घर की सप्लाई है, और R की वैल्यू यहां पे कितना है, R की वैल्यू है 1500 ohm. जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये आता है 146.666, या इसी को अपन कह देते हैं 147 मिली एम्पियर करंट अपने बॉडी से होके फ्लो करेगा जब अपनी बॉडी जो होगी वो वेटेड कंडीशन में होगी, गीली होगी. अब देखिए कुछ फैक्ट्स देखिए कि अपने शरीर से कितना करंट जाता है तो क्या इफेक्ट होता है, और फिर आप अंदाजा लगाइए कि जब 147 मिली एम्पियर आपके शरीर से फ्लो करेगा तो क्या होगा. जब अपने शरीर से केवल 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो करता है तो अपनी शरीर में टिंगलिंग होती है, केवल झुनझुनाहट होती है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का फील होता है. और यही करंट जब 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर हो जाता है तो ये मस्कुलर डिसऑर्डर
डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है, ओके, मस्कुलर डिसऑर्डर प्रोड्यूस करता है। और यही करंट, यही करंट, यही करंट जब 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर के आसपास हो जाता है, तो अपनी शरीर जो होती है वो पैरालाइज पैरालाइज हो जाती है। अपनी शरीर क्या होती है, पैरालाइज हो जाती है। और यही करंट जब 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में होता है, 3 एम्पियर के बीच में होता है, तब अपनी शरीर जो होती है वो फैटल कंडीशन में हो जाती है। फैटल कंडीशन बोले तो मरणासन्न अवस्था में हो जाती है। तो अब आप देख लीजिए कि 100 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में ही तो है ना 147 मिली एम्पियर। तो भाई अपन का शरीर क्या होगा, अपना शरीर मरणासन्न अवस्था में हो जाएगा, मरणासन्न अवस्था में हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जब आपका हाथ गीला हो, जब आपका हाथ गीला हो, आपके हाथ में पानी लगा हो या किसी तरीके का लिक्विड लगा हो, तो आप कभी भी किसी भी सर्किट को टच मत करिए। तो बिल्कुल इसी फैक्ट के साथ आप बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। और अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, किसी नए साइंस फैक्ट के साथ। ओके दोस्तों, बाय, जय हिंद।